हिसार लोकसभा क्षेत्र के नारनौंद हलके का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस से हिसार के लोकसभा प्रत्याशी संपत सिंह ने कुलदीप बिश्नोई के हिसार को बैकवर्ड घोषित किए जाने वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हिसार के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ संपत सिंह ने कहा कि नेलो पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस आदमी को कोई कहने को मिलता नहीं है वो तो उनका तो मुद्दा ही अलग है चुनाव का। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप मुझे एमपी बना दो और एमपी बनाने के बाद मैं पिताजी को दादाजी को जेल से छुड़ा लूँगा, और कुलदीप सिंह कहता है कि वारे न्यारे कर दूंगा। दो सीट तो बांटनी नहीं आई, 90 कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे, किसके वारे न्यारे कर देंगे। हमारा दुर्भाग्य होगा कि बैकवर्ड डिक्लेयर कराएगा, हिंदुस्तान में कोई भी डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड नहीं है। ये बखाने ही बातें करते हैं, तो एमपी तो पहले था 10 साल रहा, आज तक पार्लियामेंट में ये बता दो एक शब्द कभी ये बोला हो हिसार का क्या करूँगा या पहले भिवानी का तो क्या करूँगा। ये कहने की मात्र बातें हैं, बैकवर्ड डिक्लेयर करो किस बात का बैकवर्ड डिक्लेयर कराएंगे, सेटेलाइट सिटी के अंदर आगे आइए।